ऑल राइट right, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ना तो वेव ऑप्टिक्स में आता है ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है, और कर्व तो दोनों में भी आता है, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लेंसेज वगैरह होते हैं, तो मैग्निफिकेशन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, साथ में रिजॉल्विंग पावर भी इन्वॉल्व होती है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसको समझ लो अलग ही चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो हमको समझना है वो क्या है, हम लोगों का ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन। तो ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन में फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेटिना और लेंस। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्या है, इधर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लेंस से प्रोसेस होके कहाँ पे इमेज बनाता है, रेटिना पे इमेज बनाता है। रेटिना कितनी दूर होता है, रेटिना होता है करीब 2.5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब समझना इसकी सिचुएशन कैसी है। लेंस की पोजीशन फिक्स है और स्क्रीन की पोजीशन फिक्स है, राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो वेरिएबल है। अभी इधर देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ आरएन की इमेज को भी वहीं पे फोकस करना है, केली की इमेज भी वहीं फोकस करना है, निशित की इमेज भी वहीं फोकस करनी है। अब एक साथ सब ऑब्जेक्ट, अगर स्क्रीन की लोकेशन फिक्स है, लेंस की लोकेशन फिक्स है, इसका मतलब क्या है, सेम लेंस तो काम नहीं करेगा, इज इट नॉट। सेम लेंस यानी सेम फोकल लेंथ से काम नहीं चलने वाला, इज इट नॉट। वी फिक्स है, यू वेरी कर रहे हो, तो एफ को वेरी करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ कैसे वेरी कर पाते हैं हम लोग, तो ये जो लेंस है हमारा, ये कहाँ पे फिट है, ये सीलियरी मसल्स के अंदर फिट है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये कुछ मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है, सीलियरी मसल्स। तो ये क्या करती हैं, तुमको पता है कि पास की चीजों के लिए हाईली डाइवर्जेंट रेज आ रही होंगी, तो उसको कन्वर्ज करने के लिए फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा चाहिए, यानी फोकल लेंथ छोटी चाहिए, राइट। तो पास की चीजें जब हमें देखनी होती है तो हम लेंस को स्क्वीज कर लेते हैं अपने सीलियरी मसल्स से, ओके। और जब दूर की चीजें देखनी होती है तो हम लेंस को रिलैक्स कर लेते हैं सच दैट, क्योंकि दूर से जो चीज आ रही है वो उसमें उतनी डाइवर्जेंट रेज नहीं है, इनफैक्ट बहुत दूर से अगर आ रही है तो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज है, उनको वहां पे फोकस करना। बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग पावर होगा तो स्क्रीन से पहले ही कन्वर्ज कर देंगे, राइट। तो पास की चीजों के लिए हाई कन्वर्जेंस पावर चाहिए, दूर की चीजें देखने के लिए स्मॉल कन्वर्जेंस पावर चाहिए। क्यों, क्योंकि पास की चीजों से हाईली डाइवर्जेंट रेज आती है और दूर की चीजों से नियरली पैरेलल रेज आती है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। और इसीलिए कभी दवाई का पत्ता हमें पढ़ना पड़ता है, पास जैसे जैसे लेके आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्क्वीज करना पड़ता है, ठीक है। तो टर्न्स आउट कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ऐसा बोलते हैं ऑन एन एवरेज कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर पास लेके आते हो तो आपको बहुत ज्यादा भी स्क्वीज कर लो तो भी हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ऑल्दो ये 25 सेंटीमीटर बस एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो ऑप्टिशियन कम्युनिटी ने मान लिया या फिर फिजिक्स कम्युनिटी ने भी मान ही लिया, लेकिन एक्चुअली एज के साथ चेंज होता है। हो सकता है कि जब तुम 10 साल के होते हो तो हो सकता है तुम्हारा जो नियर पॉइंट, इसको कहते हैं, हो सकता है तुम्हारा नियर पॉइंट हो सकता है 10 11 मतलब 10 सेंटीमीटर ही है, हो सकता है, छोटे बच्चों का काम होता है। और जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है हमारा नियर पॉइंट दूर होता चले जाता है, बाय द टाइम यू आर लेटेस्ट से 60 ईयर्स ऑफ एज, हो सकता है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर पहुंच गया, ठीक है। इसीलिए चश्मा चढ़ जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, समझ। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड जो मानते हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए मानते हैं स्टैंडर्ड डिस्टेंस जहां तक हम देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर, उसके पास की चीजें हमको ब्लर नजर आएंगी क्योंकि हम लेंस को उतना स्क्वीज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हमें दूर देखना है तो दूर में रिलैक्स कर सकते हैं ना आपको, तो एवोल्यूशन ने हमको किस तरह से बनाया, वी आर हम मतलब ऑब्वियसली कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें किस तरह से इवॉल्व होती है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म फील्स कंफर्टेबल, राइट। तो हमको ज्यादातर जो है दूर ही देखना हो रहता है, बहुत पास तो बस पढ़ने के टाइम पे देखना रहता है। तो हमारी आंख ऐसे डिजाइंड है कि जब हम दूर देख रहे हैं तो हमारी आंख फुली रिलैक्स हो, राइट। क्योंकि सोचो अभी आज से 1000 साल पहले या 2 3 हजार साल पहले क्या होता था, इंसान को क्या देखना होता था, दूर देखना होता था, कोई शिकारी तो नहीं आ रहा हमारा शिकार करने, या फिर हमें किसी चीज का शिकार करना तो वो दिखाई पड़ जाए, ठीक है नहीं, या वहां पे दूर से फल नजर आ रहा है तो उसको जाके पकड़ के तोड़ लें, यही सब काम होता था, और क्या, कोई रिलेटिविटी थोड़ी ना पड़नी इसकी थी, समझ गया कि नहीं। तो इसलिए हमारी जो आंखें डिजाइंड है वो इंफिनिटी को देखने के लिए डिजाइंड है, बस फुली रिलैक्स है, पास की चीजों के लिए हमें स्क्वीज करना पड़ता, समझ में आई बात के लिए। तो ये हम लोगों का मेन स्ट्रक्चर है। बाकी तो चीजें देखो, ये बायोलॉजी वाले इस पे फोकस करते होंगे ज्यादा, ठीक है। इसमें भी बोलते हैं कि इधर जो जगह होती है इसको फोविया कहते हैं, फोविया बोलते हैं यहाँ पे बेस्ट विजन होता है, ठीक है। यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल को ब्रेन तक ले जाते हैं, फिर प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। बाकी चीजें ब्रीफली यहाँ पे देख के इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज प्यूपिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। प्यूपिल क्या होता है, आंख के लेंस के सामने एक पर्दा जैसा होता है थोड़ा सा, जो पर्दा जो एक्सपैंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो है क्या, हमें वेरिंग लाइट सिचुएशन में, वेरिएबल लाइट सिचुएशन में हम देखना चाहते हैं चीजें, जब अंधेरा हो गया तो भी हम चाहते हैं कि नजर आ जाए कि कोई
है क्या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो हमारा पिपिल डायलेट कर जाता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो सके हमारे, ऑलरेडी सराउंडिंग में कम लाइट है तो पिपिल डायलेट हो जाता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्वीज कर, मतलब सामने का पर्दा जो छोटा हो जाता है। तो पिपिल क्या होता है, लेंस तो वही है, लेंस के सामने पर्दा है जो छोटा हो सकता है और जो बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो प्यूपिल का काम क्या, प्यूपिल का काम है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अंधेरे में डायलेट हो जाता है प्यूपिल, और उजाला जब होता है बहुत ज्यादा तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। बाय द वे याद करो, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन, राइट। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, लेंसेज में जो मार्जिनल रेज होती है, मार्जिनल रेज की वजह से इमेज जो है प्रॉपर नहीं बनती है। मार्जिनल रेज का फोकस कहीं और होता है और पैराक्सियल रेज का फोकस कहीं और होता है। तो प्यूपिल जितना छोटा होगा उतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे खाली रेज पैराक्सली एंटर करें, राइट। इसीलिए मान लो हमें पढ़ना है तो हम ब्राइट लाइट में पढ़ते हैं, ब्राइट लाइट पढ़ने से क्या होता है कि प्यूपिल हमारा छोटा हो गया तो बहुत छोटे से एरिया से, लेकिन लाइट ब्राइट है तो छोटा एरिया होने के बावजूद ठीक ठाक लाइट हमारी आंख में एंटर हो रही है, राइट। तो इसलिए हमारे किताब की शार्प इमेज बनती है, ब्लर इमेज नहीं बनती, क्योंकि मार्जिनल रेज ब्लॉक हो जाते हैं। जबकि अगर डिम लाइट होती है तो हम प्यूपिल को पूरा खोल के बैठे होते तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, मार्जिनल रेज पैराक्सियल रेज दोनों से इमेज बन रही होती है, थोड़ी सी ब्लरी सी इमेज होती है, हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ भाई अंधेरे में कोई है, कोई कोई तो है, उसकी शक्ल नहीं पता चल रही बट ठीक है, एटलीस्ट पता चल जाता है कि कोई है, नहीं तो क्या होगा पिपिल छोटा होगा तो पता ही नहीं चलेगा कोई है कि नहीं है, समझ में आई बात की नहीं। तो दिस इज अबाउट द आई स्ट्रक्चर, एक बार देख लो इसको इसके अंदर। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होता है लेंस से रेटिना का, जो डिस्टेंस होता है मैंने बताया 2.5 सेंटीमीटर करीब होता है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, अगर कुछ है डिस्कशन तो बोल दो फिर आगे बढ़ो। हाँ एक बार समझा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, तुम याद करो लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2 ये रेसिप्रोकल फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस जैसा अगर मॉडल करते हो तो हमें पता है कि बल्ज करोगे तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटे छोटे हो जाएंगे, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटे छोटे हो जाएंगे, तो तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारी फोकल लेंथ जो है ओवरऑल कम होती चली जाएगी, जितना ज्यादा बल्ज करेगा उतनी छोटी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। दूर से तो नियरली पैरेलल रेज आ रही है, उनको हल्का सा अंदर बेंड करोगे 2.5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर हाईली डाइवर्जेंट रेज आ रही है, पास की चीज से सोचो कैसी डाइवर्जेंट पेंसिल आएगी, नाक के बिल्कुल ऐसी करूंगा तो बहुत डाइवर्जेंट पेंसिल है, तो डाइवर्जेंट पेंसिल को भी 2.5 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ट करना है, यानी सोचो रेज को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा बेंडिंग करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट एट द सेम पॉइंट, समझ गए। तो इसीलिए पास में देखने के लिए, दवाई का पत्ता पड़ने के लिए आपको बहुत कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मेरे को तो उसके बाद भी नहीं दिखता कई बार, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ओके क्लियर है, समझ में आएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स मेरे को डिफाइन करने आई से रिलेटेड, तो सबसे पहला पॉइंट जो डिफाइन करना है दैट इज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया जैसे जैसे पास लाते जाते हो जिसके बियॉन्ड नहीं देख सकते, एक नियरेस्ट पॉइंट जिसके बियॉन्ड तुम नहीं देख सकते उसको नियर पॉइंट कहते हैं। स्टैंडर्ड ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर लेते हैं, ऑल्दो पीपल कैन हैव स्मॉलर और लार्जर डिपेंडिंग ऑन देयर एज, और उसके अलावा मतलब आंख की क्या हालत है अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ओके। तो नियर पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है ना। फिर दूसरा है हमारा फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, यानी इन्फिनिटी की चीज हम प्रॉपरली देख सकते हैं, इन्फिनिटी की चीज का जो है लाइट हमारे रेटिना पे फोकस होता है, ठीक है। ऑल दो फार पॉइंट भी डिफेक्टिव हो सकता है, फार पॉइंट डिफेक्टिव हो जाता है कई बार ओल्ड एज में, क्या होता है बहुत दूर की चीज भी प्रॉपरली नहीं दिख रही होती, ठीक है। तो इन्फिनिटी की जगह पता चला वो 10 मीटर के बियॉन्ड प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो समझ गए। और नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट के बीच में हमारी आंख जो एडजस्ट करती है उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। एक लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, इसके बीच में हम आंख को एडजस्ट करते हैं। तो नियरेस्ट पॉइंट से फार्थेस्ट पॉइंट ऑफ विजन के लिए ये जो डिस्टेंस है, कई बार एकोमोडेशन इस डिस्टेंस को भी बोल देते हैं, वैसे एक्चुअली एकोमोडेशन बायोलॉजी के हिसाब से प्रोसेस है जो हम एडजस्टमेंट करते हैं अपनी डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आई डिफेक्ट्स की बात करते हैं हम लोग, अलग अलग तरह के आई डिफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं और उनका क्योर क्या है, यानी उनको हैंडल कैसे करते हैं, तो वो आप देखते हैं। तो सबसे पहला जो आई डिफेक्ट हम डील करने वाले हैं दैट इज मायोपिया, जिसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नियर साइटेडनेस मतलब उसको पास की चीज को सही से दिख रही हो लेकिन उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से आगे उसका फार पॉइंट, फार्देस्ट पॉइंट मतलब समझ गए, मान लो 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी आई मायोपिक है। मायोपिया मतलब क्या होता है, पास की चीजें सही दिखना, नियर साइटेडनेस, राइट। तो मायोपिया में क्या है, इन्फिनिटी से तो पैरेलल रेज आ रही होंगी, पास की चीजों को तो ये रेटिना पे फोकस करता है, यानी डाइवर्जेंट रेज तो रेटिना पे फोकस कर देता है, लेकिन क्या है जब डाइवर्जेंट रेज नहीं है तो कन्वर्जिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा, पास की चीजों के लिए कन्वर्जेंस अच्छी चाहिए होती है, यानी कन्वर्जेंस पावर तो इसकी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा ही है इसकी कन्वर्जेंस पावर, समझ गए। फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है यानी इन्फिनिटी वाली रेज को जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है तो क्या है
या तो जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, या फिर कहो कि इसका रेटिना जो है, यानी ये बोल सकते हैं कि आई बॉल एलोंगेटेड है, एक्चुअल में इंफिनिटी से आने वाली रेज यहीं पे कन्वर्ज कर जा रही है, जबकि इसका रेटिना यहाँ पे जा रहा है। देखो तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया ना, तो इसको सही से दिखेगा ना, समझ में आई बात के नहीं? क्योंकि ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो इस आई डिफेक्ट का तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, कन्वर्जेंस थोड़ी कम करनी है तो डाइवर्जेंस लेंस लगा दो, समझ में आ रही है बात के नहीं? ठीक है, तो इसका क्योर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुली रिलैक्स आई से कहां तक देख सकता है, ये इसका फार पॉइंट है। ठीक है, जब इसने फुली रिलैक्स आई कर ली तो इसका तो प्रॉपरली यहाँ पे इमेज बन रही है रेटिना पे। अब इसको क्या और डायलेट करना अपने लेंस को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डायलेट करने के लिए सीलियरी मसल्स लगेंगे, ऑल्दो सीलियरी मसल्स में ये ताकत नहीं होती कि बाहर की तरफ खींच सके, दबा तो सकते सीलियरी मसल्स से, बाहर की तरफ नहीं खींच सकते हम लोग। ठीक है, नहीं कोई खास ज्यादा फर्क नहीं डाल सकते, बेशक में लगेगा यार ऐसे यहाँ पे बड़ी बड़ी तो मैं कर सकता हूँ, बट लेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं ओके, तो ये इसकी लाइफ में ट्रेजेडी है कि इससे बियॉन्ड की, यहां तक की लाइट इसके रेटना पे आ रही है, इसके बियॉन्ड पैरेलल जाते हैं, इसको पहले ही कन्वर्ट कर देगा। तो इसका निवारण क्या है भाई, तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया हमने। ठीक है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, जो इंफिनिटी से रेज आ रही है उसको इसके इसके फार पॉइंट पे सर्व कर दो। फार पॉइंट तो ये देख लेता है, तो हम क्या कहेंगे, मान लो फार पॉइंट मेरा 50 है, तो इंफिनिटी की इमेज को अगर मैंने 50 पे बना दिया, 50 मीटर पे, तो मेरे को वो दिखने लग जाएगी। समझ में आई बात की? तो यही काम हो रहा है, देखो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, ये डाइवर्जिंग लेंस ने उनको ऐसे डाइवर्ज करा दिया ताकि इनका पीछे एक्सटेंशन कर रहे हो, तो ये इसके फार पॉइंट पे जाके ऐसा लग रहा है इसको कि एज इफ वो रेज फार पॉइंट से आ रही है इसको। समझ में आई बात की? तो नियर साइटेडनेस का समझ गए इलाज क्या है, वी यूज अ डाइवर्जिंग लेंस फॉर नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो फटाफट पढ़ा देता हूँ क्या लिखा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, वी नीड टू हैव अ स्मॉलर कन्वर्जिंग पावर टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लार्जर पावर टू फोकस ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। For a myopic person, the power of a fully relaxed eye is more than required for focusing at infinity. जरूर से ज्यादा पावर है इसकी आंख के अंदर, यानी fully relaxed eye का भी पावर जो जरूर से ज्यादा है। ठीक है, thus there is a limit to his far point. For correcting this defect, we use diverging lens, which forms the image of infinity at the person's far point. Infinity को उठा के इसके जहां पे देख सकते हैं वहां तक उठा के सर्व कर दिया basically lens में, समझ गए? ठीक है, and then the person is able to process it with his eyes. Due to more than required converging power, the unaided myopic eye converges the rays in front of the retina. तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, जरूर से ज्यादा कन्वर्जेंस है तो पहले ही फोकस हो जा रही रेज, ठीक है, कन्वर्ज हो जा रही। ओके, द डाइवर्जिंग लेंस रिड्यूसेस द इफेक्टिव कन्वर्जिंग पावर, दस हेल्पिंग द पर्सन टू फॉर्म द इमेज एट द रेटिना। तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई डाउट है तो भी बोल सकते। ओके, इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्या लिखा है, इफ यूर फार पॉइंट इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 2 मीटर के बियॉन्ड ही नहीं देख पाता। ठीक है, तो बड़ी ट्रेजेडी है। व्हाट पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स शुड यू यूज फॉर करेक्टिंग द विजन डिफेक्ट, फार पॉइंट 200 सेंटीमीटर है बस, तो क्या करोगे, इसको इन्फिनिटी को उठा के इसके 2 मीटर दूर पे सर्व करना है इसको, इज इट नॉट? तो बस क्या करोगे, यू को माइनस इन्फिनिटी डाल दो और वी को -200 डाल दो। ध्यान रखना ये सब लेंस के उस तरफ बनती है, इन्वर्टेड इमेज थोड़ी ना बनती है, जब भी जितने भी चश्मे यूज करते हैं इन सबसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए होती है, नहीं तो फिर चश्मे का फायदा ही क्या होगा, पूरी दुनिया उल्टी दिखने लगेगी इनको, इज इट नॉट? और मोर ओवर रियल इमेज बनेगी तो चश्मा यानी मेरे खोपड़ी के पीछे इमेज बनेगी, इज इट नॉट, वो भी उल्टी, तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए? तो चश्मे जितने भी होते हैं सारे के सारे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसलिए यू को क्या रखना है, -200, और वी को क्या रखना, सॉरी वी को रखना है -200 और यू को रखना है -∞। तो बस सिंपल ही है, लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट है, बस उसको लगा दो तो वैल्यूज डाल दो, 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया, 1/f आ गया मेरा -0.5। ठीक है, तो ये 1/f जो होता है यही मेरे लेंस का पावर कहलाता है। ठीक है, 1/f जो होता है, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ ही चाहिए थी मुझे, -0.5, यानी इसको कितने का चश्मा लगेगा, -0.5 का चश्मा लगेगा, समझ गया? ठीक है, दस रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस इज -0.5 डायोप्टर। ध्यान रखना चश्मे के लेंस की पावर हमेशा डायोप्टर्स में मेजर होती है, और इसीलिए जब रेसिप्रोकल लेना है तो हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर का सीधे सीधे रेसिप्रोकल नहीं ले लेंगे। ठीक है, समझ में? और इसकी फोकल लेंथ चाहिए तो फिर 1/-0.5 कर दोगे, यानी -2 मीटर इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस इज -0.5। इनफैक्ट इसको डायरेक्टली दिख रहा है ना, यानी इन्फिनिटी को उठा के 2 मीटर पे तो लेके आना है, तो फोकल लेंथ आनी थी उस तरह की, राइट? नियर पॉइंट एक्चुअली कीप्स रिसीडिंग विद एज। ठीक है, नियर पॉइंट जो है समझ गए, ये पीछे की और पीछे और पीछे और पीछे जाते रहता है नियर पॉइंट जो होता है। ऑन एन एवरेज 10 साल के बच्चे का नियर पॉइंट 7 सेंटीमीटर होता है सिर्फ,
60 ईयर ओल्ड है 200 सेंटीमीटर, ठीक है 60 ऑन एन एवरेज इतना होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आई डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, दोनों बोलते हैं इसको, हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या है, अब इस आदमी को दूर की चीजें सही दिखती है लेकिन इसका नियर पॉइंट डिफेक्टिव है, बहुत पास की चीजें देख नहीं पाता। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूर तक की चीजें इसको दिखनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कहां से आया, मतलब करीब किताब को तुम 25 सेंटीमीटर दूर के आसपास तुम्हें रखते हो किताब पढ़ते टाइम, तो वो तुम्हें सही से नजर आना चाहिए 1/4 ऑफ अ मीटर करीब, ठीक है बुक रीडिंग के हिसाब से, राइट। जनरली हम कोई बहुत से पास नहीं लेके जाते, 25 सेंटीमीटर तो डिसेंट डिस्टेंस, ठीक है अनलेस किसी को डराना है आंखों में झांक के, ठीक है नहीं तो 25 सेंटीमीटर वहां से आ रहा है कि इट्स अ डिसेंट डिस्टेंस टू, आई मीन समझ गए आई करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी से तो आने वाली चीजें दिखती है लेकिन 25 सेंटीमीटर से आने वाली रेज हाईली डाइवर्जेंट है, उनको अच्छे से कन्वर्ज कराना चाहिए रेटना पे, लेकिन इसके पास उतनी कन्वर्जेंस पावर नहीं, पास की रेज को रेटना पे फोकस करने के लिए कन्वर्जेंस पावर ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो इतनी कन्वर्जेंस पावर नहीं है तो इसकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी है, इसकी आंख से जो है रेज जो है रेटना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, चाहिए थी मुझे रेटना पे कन्वर्जेंस लेकिन ये रेटना के 25 सेंटीमीटर दूर रखते तो रेटना के और पीछे चली जा रही है इमेज, समझ गए कि नहीं। तो फिर तो ऑब्वियसली ब्लर हो जाएगा, सारी रेज तो रेटना पे कन्वर्ज होनी चाहिए, रेटना के पीछे कन्वर्ज हो रही है तो प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो और अगर नियर पॉइंट पे रखते हो, इसका नियर पॉइंट कुछ होगा, मान लो ये 50 सेंटीमीटर है कुछ भी है, 25 सेंटीमीटर से दूर है तो यहां से जो रेज आ रही है ये उतनी ज्यादा डाइवर्जेंट रेज नहीं आ रही, दूर के पॉइंट से कम डाइवर्जेंट रेज आ रही, उनको ये कन्वर्ज करा लेता, ठीक है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, करीब 50 सेंटीमीटर से मान लो ये कन्वर्ज करा लेता। तो फिर क्या करना चाहिए, इस तरह के आदमी को पास से अगर हाईली डाइवर्जेंट रेज आ रही है तो उनको कन्वर्ज करने में इसकी मदद चाहिए, इज इट नॉट। तो फिर क्या है, कैसा लेंस लगेगा इसको, कन्वर्जिंग लेंस लगेगा, आई बात समझ में, तो समझ में आया ना। तो इसको क्या करोगे, इसका नियर पॉइंट डिफेक्टिव है तो 25 सेंटीमीटर चीज इसको पढ़वानी है कि किताब ये पढ़ सके, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर पे दूर जो किताब है उसकी इमेज उठा के इसके नियर पॉइंट पे बनवा दो, राइट। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए तुमको एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया हमने, कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया तो ये 25 सेंटीमीटर दूर जो ऑब्जेक्ट है इसकी रियल एंड डायरेक्ट इमेज पीछे क्या कहते हैं इसका, अगर 50 सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर पे बनवा दीजिए, जो भी इसका नियर पॉइंट है, समझ में आ रहा है डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को कैसे क्योर करते हैं, ठीक है। इसका फार पॉइंट इज ओके, नियर पॉइंट इज डिफेक्टिव, नियर पॉइंट डिफेक्टिव है यानी कन्वर्ज नहीं करा पा रहा, ये लॉजिक से समझना, ठीक है। कई बार हो सकता है तुम भूल जाओ कि पता नहीं किसमें क्या होता है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मार लो तो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉजिक से समझो, नियर पॉइंट डिफेक्टिव है यानी कन्वर्जिंग पावर कम है, फार पॉइंट डिफेक्टिव है यानी कन्वर्जिंग पावर जरूरत से ज्यादा है, समझ गए कि नहीं। नियर पॉइंट इफेक्टिव मतलब हाईली डाइवर्जेंट रेज को कन्वर्ज नहीं करा पा रहा, समझ गया कि नहीं, तो कन्वर्जिंग लेंस लगेगा। और फार पॉइंट इफेक्टिव मतलब ज्यादा ही कन्वर्ज करा रहा है तो डाइवर्जिंग लेंस लगेगा, लॉजिक से समझ में आ रही बात कि नहीं। नियर साइडेडनेस मतलब मायोपिया यानी कि पास की चीजें दिख रही है दूर की चीजें नहीं दिख रही, हाइपरमेट्रोपिया फार साइडेडनेस यानी दूर की चीजें सही दिख रही है पास की चीजें सही नहीं दिख रही, तो समझ में आया ना ये कैसे इसको क्योर करना है, ठीक है। तो इसकी इमेज प्रॉपरली फोकस हो जाएगी इसके नियर पॉइंट पे सर कर दिया उठा के 25 सेंटीमीटर दूर की, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ता हूँ क्या लिखा, एज डिस्कस्ड अर्लियर वी नीड अ हायर कन्वर्जिंग पावर टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देन दैट फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हाइपरोपिक पर्सन हैज लेस देन रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस पावर टू सी एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई, दिस पर्सन्स नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, दस टू करेक्ट हिज विजन डिफेक्ट वी यूज कन्वर्जिंग लेंस, द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ अ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट at persons near point and thus enabling him to see the object, ठीक। तो इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या लिखा, सपोज द नियर पॉइंट ऑफ योर लेफ्ट आई इज 150 सेंटीमीटर, हाँ ये भी हो सकता है दोनों आंखों का अलग अलग हो जाए, जरूरी थोड़ी ना सिमेट्रिकली डिफेक्ट आए आंख में, हो सकता है कई बार अलग अलग पावर के चश्मे होते हैं अलग अलग आंख के, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन आंख सिमेट्रिकली अंदर से कई बार नहीं बिहेव करती है, ठीक है। तो लेफ्ट आई का लिख रखा 150 सेंटीमीटर मेरा नियर पॉइंट है, ठीक है। वॉट लेंस प्रिस्क्रिप्शन वुड यू रिस्टोर will restore the normal vision, तो बस सिंपल ही है, क्या करोगे, u equal to -150 है उसके लिए v मेरा -25 हो जाना चाहिए, राइट, ताकि देख सके उस चीज को, ठीक है। तो क्या करेंगे, here we need to form image of not 25 centimeter distant object at 150 centimeter, sorry other way around, u equal to -25 होगा और v equal to -150 होगा, 150 तो देख पा रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। इसका near point ही तो defective है ना, तो near point पे इसके चाहिए इमेज, जो लेस देन नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इसके नियर पॉइंट पे सर्व करना है, राइट।
तो बस तो यू को डाल दो -25 और वी को डाल दो कितना -150। उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो 1/4 फोकल लेंथ जो आ जाती है वो 10/3 आ जाती है, ठीक है। यानी 3.33 प्लस 3.33 डायोप्टर्स का चश्मा लगेगा इसको, समझ गए। 10/3 मतलब प्लस 3.33 डायोप्टर्स, ठीक है। रिक्वायर्ड लेंस पावर इज प्लस 3.33। जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में डायोप्टर्स वगैरह बोलते नहीं है, सीधे ऐसे ही कैजुअली बोलते हैं प्लस 3 का चश्मा है, प्लस -3 का चश्मा, एक्सेट्रा। उसका मतलब डायोप्टर्स अंडरस्टूड होता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो अगला डिफेक्ट है आपका, दैट इज प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया इस बंदे की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी है। क्या उसको ना तो दूर का सही दिखता है ना पास का सही दिखता है, ठीक है। इसका नियर पॉइंट भी डिफेक्टिव है और इसका फार पॉइंट भी डिफेक्टिव है, राइट। तो इस तरह के बंदे के लिए पुराने टाइम में बाइफोकल्स लगते थे। बाइफोकल्स कैसे होते हैं, जनरली क्या होता है, जब तुम बुक वगैरह पढ़ते हो तो आंख नीचे करके पढ़ते हो एक्चुअली, और जब दूर कुछ देखना होता है तो आंख तुम्हारी सामने की तरफ देख रही होती है। तो उसमें क्या होता है, एक ही लेंस के अंदर क्या कहते हैं, कुछ पार्ट जो होता है अलग फोकल लेंथ का होता है और कुछ मतलब पढ़ने के हिसाब से होता है, यानी समझ गए। कुछ पार्ट जो होता है पढ़ने के हिसाब से होता है और कुछ पॉइंट जो इंफिनिटी पे देखने के हिसाब से होता है। तो वो चश्मे में, लेकिन उस तरह का चश्मा जो है सडनली, यानी बीच में कई बार आप दोनों लेंसेज के बीच में देख रहे हो तो बहुत अजीब सा इफेक्ट दिखता है, आपके सामने अजीब से दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस पड़े हुए, तो वो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। तो पुराने जमाने में बाइफोकल्स लोग यूज करते थे, आजकल मुझे नहीं लगता तुमको बाइफोकल्स इतना कॉमनली देखने को मिलेगा, मतलब बॉम्बे में तो मैंने नहीं देखा। तो उसकी जगह दूसरा क्या इलाज है, दूसरा है क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव लेंसेज यूज होते हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होते हैं, उनकी फोकल लेंथ ग्रेजुअली चेंज हो रही है, नीचे वाले पार्ट में अलग होती है फोकल लेंथ और ऊपर वाले में अलग फोकल लेंथ होती है, यानी ऊपर यानी धीरे धीरे करके फोकल लेंथ चेंज करते, सडनली फोकल लेंथ नहीं चेंज करते ना। तो दोज लेंसेज आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव। आई एम वन ऑफ द पर्सन यूजिंग प्रोग्रेसिव लेंसेज, ठीक है। तो मेरी लाइफ में दोनों ट्रेजेडी है, ठीक है, ना दूर का सही दिखता है ना पास का सही दिखता है, समझ गए। तो या तो बाइफोकल्स यूज करते हैं प्रेस बायोपिया में, या फिर ये यूज करते क्या कहते हैं अपना प्रोग्रेसिव लेंस यूज करते, समझ में आई बात नहीं। ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर अगला जो आई डिफेक्ट है, दैट इज एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, कई बार आई लेंस जो होता है परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग होता है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग होता है, ठीक है, यानी इलिप्सॉइड की शेप में होता है। तो किसी डायरेक्शन में तो मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और किसी डायरेक्शन में मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। तो क्या होगा अगर वर्टिकल प्लेन में, फॉर एग्जाम्पल मान लो वर्टिकल प्लेन में कुछ लेटर से मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेटर से वर्टिकल प्लेन में, ओके। तो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन की रेस तो बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, राइट, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो रेस का बंडल होगा वो दूर जाके कन्वर्ज होंगी। तो इसको क्या होगा, एक साथ ये पास एक साथ जो है वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स और हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को एक साथ ये प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएगा, समझ में बात नहीं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अलग फोकल लेंथ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग फोकल लेंथ है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये क्रॉस शेप का कोई ऑब्जेक्ट है लेट अस से, तो इसका जो वर्टिकल वाली लाइन है ये तो रेटिना के पहले ही बन गई है, ठीक है, इसकी इमेज, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जाके रेटिना पे बन रही है इमेज, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये इमेज को भी पीछे पुश करना है। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे तो ये इमेज भी पीछे पुश हो पाएगी, राइट। तो इसलिए अब खाली इसी इमेज को पुश करना, उस और दूसरी इमेज के साथ कुछ भी नहीं करना है। उसका मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होना चाहिए, केवल एक डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगाया, ये सिलिंड्रिकल डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, समझ गए। नॉर्मली तो स्फेरिकल डाइवर्जिंग लेंस तो दोनों तरफ पीछे कर देगा, दोनों इमेजेस को पीछे कर देगा, ये जो सिर्फ एक इमेज को पीछे करता है, समझ गए। तो ये सिलिंड्रिकल लेंस कहलाता है। बाकी सिलिंड्रिकल लेंस में तुम लोगों ने कई बार शायद सुना होगा, चश्मे बनते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सिस, तो वो होता है ना इतने डिग्री, कई बार लिखा रहता है कि एंगुलर कोऑर्डिनेट लिखा रहता है कि इतने डिग्री पे है। तो वो डिग्री का मतलब क्या, तुम्हारे जो इलिप्सॉइड बन रहा है आपका, तो जरूरी नहीं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हो सकता है कि 30 डिग्री पे मैक्सिमम हो और फिर उससे 90 डिग्री पोजीशन पे मिनिमम हो, ये भी हो सकता है, राइट। तो वो होता है कि सिलेंड्रिकल लेंस का एक्सिस क्या है, ठीक है। तो मेरे को सिलेंड्रिकल भी है प्रोग्रेसिव के साथ, ठीक है, ठीक है, बहुत ट्रेजेडी है मेरी लाइफ में, समझ गए। एस्टिगमेटिज्म समझ में आया कि नहीं, ठीक है। दिस डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज द आई लेंस इज मोर शार्पली कर्व्ड इन वन प्लेन than the other, thus the horizontal and vertical elements focused at different places are focused at different places. To correct this defect, we use cylindrical lenses. For instance, in the above figure, concave cylindrical lens increases the effective focal length of for the vertical element. तो समझ में आ गई होगी बात, astigmatism. All right, तो ये तो हो गई बात हम लोगों की आई डिफेक्ट्स की, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आई डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है और कुछ कुछ चीजें होती हैं, बट वो सब अपने क्या नाम है, फिजिक्स वालों के डील करने का नहीं है, वो डॉक्टर्स के डील करने का, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो है, और भी कुछ कुछ होते हैं, डॉक्टर्स तो पता नहीं पूरी क्लियर
किताबी होगी उनकी आई डिफेक्ट की, जो फॉर्मूले होगी उसने 4 साल तक यही काम करना होंगे, ठीक है। बट हमारे फिजिक्स के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बोलते हैं उसका एक खास मतलब होता है, हमेशा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब मान लो कोई मेरे पास कोई लेंस है, ठीक है, वो तुम्हारी मान लो 100 times बड़ी इमेज बना देता, तो जरूरी नहीं कि मुझे 100 times बड़ी दिखे, बल्कि हो सकता है मुझे और छोटी दिखने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी अभी तुम मेरे से 1 meter दूरी पे खड़े हो लेटर से, तो मुझे तुम्हारी इमेज का कुछ एंगल नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ सबटेंडेड एंगल है। अब 1 meter की जगह मान लो तुम्हारी इमेज बना दी उसने 1000 meter टॉल, लेकिन वो 1 light year दूर बना दी, तो फिर क्या होगा, तुम तो बिल्कुल टाइनी स्पेक से भी छोटे दिखोगे, दिखोगे ही नहीं। स्टार तो टाइनी स्पेक जैसा दिखता है, ठीक है, तुम तो उतने भी नहीं दिखोगे। तो फायदा क्या होगा, तुम्हारी इमेज तो बहुत लार्ज कर दी लेकिन एंगल सेपरेटेड बहुत छोटा हो गया, तो इट इज यूजलेस फॉर मी, राइट। तो इसीलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब भी मैग्निफिकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग, तो वी आर इंटरेस्टेड कि इनिशियली क्या टैन थीटा दिख रहा था उसका और फाइनली क्या टैन थीटा दिख रहा है, राइट। और इनिशियल टैन थीटा क्या है, इसमें भी दो तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं। एक तो होते हैं माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, पास की चीजें देखने के लिए। तो पास की चीज मैक्सिमम एंगल कब सबटेंड करेगी, जब आंख के 25 सेंटीमीटर दूरी पे, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए बोल सकते हो, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे उसका टैन थीटा मैक्सिमम होगा सबटेंड ऑन द आई, राइट। तो उसमें तो कंपेयर करना है, यानी मैग्निफिकेशन मतलब क्या, मैक्सिमम सबटेंडेबल एंगल टू द अनएडेड आई टू द मैक्सिमम सबटेंडेबल एंगल टू द एडेड आई, राइट। या नॉट मैक्सिमम मतलब एडेड आई पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, दैट इज फाइनल एंगल, राइट। और इनिशियल एंगल क्या है, जब उसको कैपिटल डी पे रखा है तो कितना एंगल है, समझ में आई बात नहीं। तो जैसे तो कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर को तो मैं कैपिटल डी पे रख सकता हूँ, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर को मैं बोल रहा हूँ, तो 25 सेंटीमीटर पे कैटरपिलर है तो मेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, राइट। जब उसको हैंड लेंस से देख रहा हूँ तो कुछ और एंगल सबटेंड हो रहा है। तो ये दो एंगल्स का जो रेशियो, ये मेरे लिए इफेक्टिव मैग्निफिकेशन। छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए टैन थीटा को थीटा ले लेते हैं, बट एक्चुअली में वो टैन थीटा ही, अगर ध्यान से सोचो तो, समझ में आई बात नहीं। तो यहाँ पे तो मैग्निफिकेशन ऐसे कंपेयर होगा कि उसको कैपिटल डी पे रखा तो कितना मैग्निफिकेशन एंगल कितना है, सॉरी, और जब लेंस से थ्रू देख रहा हूँ तो कितना एंगल है। तो ये तो वही माइक्रोस्कोप की बात, जो पास के ऑब्जेक्ट्स में जहाँ पे हमारे पास फ्रीडम होती है आपके पास ला सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, दैट इज टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स में क्या है, तुम्हारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम उस चीज को कैपिटल डी पे ला के देख सकते हो। मैंने दो स्टार्स देख रहे हो तुम, ठीक है, अल्फा सेंचुरी देख रहे हो और उसके आसपास कोई और स्टार है, तो उसको उठा के कैपिटल डी पे थोड़ी ना लेके आ सकते हो, ठीक है नहीं। तो वो तो जो एंगल है वही एंगल दिखेगा अनएडेड आई को, इज इट नॉट। दो स्टार्स के बीच में मान लो 1 minute ऑफ एन आर्क दिखेगा, तो अनएडेड आई को 1 minute ऑफ एन आर्क ही दिखेगा। उसको टेलीस्कोप से देख रहे हो तो फिर वो बड़ा कुछ एंगल दिख रहा है, तो फिर इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है दैट विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर अ टेलीस्कोप, समझ गए। माइक्रोस्कोप के अंदर फ्रीडम होती है कैपिटल डी पे ला के देखने की, इनिशियल एंगल कैपिटल डी से मेजर किया जाता है, कैपिटल डी डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर तक, जबकि टेलीस्कोप में जो एक्चुअल एंगल है वही मेरा इनिशियल एंगल होता है। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, तो एक तो बात हो गई टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एडजस्टमेंट, दो तरह के एडजस्टमेंट्स पॉपुलर है, एक होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, एक होता है हमारा फार पॉइंट एडजस्टमेंट या फिर इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं जो फार पॉइंट एडजस्टमेंट है। तो देखो, अगर हैंड लेंस के थ्रू मैं किसी चीज की इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो कोई बैक्टीरिया, उसको मैं हैंड लेंस से देख रहा हूँ, तो इसको भी दो तरह से देख सकता हूँ। एक तो केस में क्या है, ये जो बैक्टीरिया की इमेज है फुली रिलैक्स्ड आई से मैं देखना चाह रहा हूँ, आंख के ऊपर कोई भी जोर नहीं पड़ रहा, तो इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनाऊंगा, राइट। तब भी कुछ तो एंगल दिखेगा ना, उसके मुंडी में और उसके पैर के बीच में कुछ तो एंगल नजर आएगा कि नहीं, तो इन्फिनिटी पे। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा, जब मैं फुली स्ट्रेन्ड आई से देखना चाह रहा हूँ, यानी पास से पास, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पे मैं फाइनल इमेज बना रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो दो पॉपुलर एडजस्टमेंट है, क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट वेयर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जहां पे फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट योर नियर पॉइंट व्हिच इज टेकन एज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या इसके बीच में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 50 सेंटीमीटर दूर बना लो इमेज, तुम 1 meter दूर बना लो, 1 kilometer दूर बना लो, समझ गए कि नहीं। तो ऑल काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल, बट मोस्ट कॉमनली जो स्टैंडर्ड केसेस की तरह डिस्कस किए जाते हैं, दे आर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड द नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, हैंड लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, ठीक है। हैंड लेंस बोलो या सिंपल माइक्रोस्कोप बोलो या मैग्नीफायर बोलो, ये सब सिंपल मतलब एक ही बात है, सिनोनिमस टर्म्स है, मैग्नीफायर, हैंड लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अभी यहाँ पे देखना जरा, ये कोई कैटरपिलर है छोटा सा, इस कैटरपिलर को तुम डायरेक्टली आंख से देख रहे हो,
ठीक है। तो इसकी मान लो कुछ हाइट है, वाई मान लो इसकी हाइट है, और कैपिटल डी पे देख रहे हो, तो इसका अनएडेड आई पे एंगल कितना बनेगा, वाई बाय कैपिटल डी बनेगा अनएडेड आई पे एंगल। अब इसी कैटरपिलर को तुम हैंड लेंस के थ्रू देख रहे हो और इंफिनिटी पे इसकी इमेज बनानी है, ध्यान से देखना अभी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना। अगर इंफिनिटी पे इसकी इमेज बनानी है तो इस कैटरपिलर को कहां पे लेके आना पड़ेगा, लेंस के रिलेटेड तुम फोकस पे लेके आओगे, एक्चुअली कैटरपिलर को नॉर्मली शिफ्ट नहीं करोगे, तुम अपनी आप को पास लेके जाओगे, लेंस को पास में लेके जाओगे, ताकि कैटरपिलर इसके फोकस पे आ जाए, राइट। कैटरपिलर अगर फोकस पे आ जाएगा तो फिर इसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी क्या दिख रहा है, कैटरपिलर का जो पैर है वो तो इस लाइन के लॉन्ग दिख रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सीधी जा रही होगी, तो कैटरपिलर का पैर तो मुझे इस लाइन के लॉन्ग दिख रहा होगा, राइट। और कैपिटल इसकी कैटरपिलर की जो मुंडी है वो भी वापस ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधी लाइन है, तो इस लाइन के लॉन्ग दिख रही होगी, राइट ना। तो कैटरपिलर यानी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंडेड है फाइनली, राइट। मेरी आंख के ऊपर तो वही एंगल होगा, लेंस जनरली लेंस को और आंख के बीच में स्पेसिंग नहीं मानते, मानते हैं कि लेंस को बिल्कुल आंख के साथ टच करा रखता है, ठीक है। तो जो लेंस पे सबटेंडेड एंगल है वही मेरा आंख पे भी सबटेंडेड एंगल है। तो अभी कैटरपिलर की इमेज का क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का सबटेंडेड एंगल है वही मेरा इमेज का भी सबटेंडेड एंगल होगा, समझ में आ रही बात की नहीं, क्योंकि मुंडी तो इसी लाइन के लॉन्ग दिख रही है, इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की भी सेम ही लाइन पे होगी ना मुंडी, ऐसे ही जो पैर है वो भी सेम ही लाइन के लॉन्ग होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे फाइनल एंगल नजर आ रहा है, राइट। तो फाइनल एंगल मेरा जिसको थीटा डैश बोला होगा, तो वो थीटा डैश यही वाला एंगल है, तो ये वाई है और ये एफ है, ये तो फोकल लेंथ के बराबर होगा, तो इसका फाइनल मेरा एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा, टैन थीटा वाई बाय एफ हो जाएगा, राइट। या थीटा बोल लो, छोटा सा ऑब्जेक्ट टैन थीटा और थीटा एक ही बात है, राइट। तो फाइनल एंगल मेरा क्या हो गया, वाई बाय एफ नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और इनिशियल एंगल क्या था मेरा, वाई बाय कैपिटल डी, इससे ज्यादा बड़ा देख नहीं सकता था, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में जा नहीं सकता, अज्यूमिंग नॉर्मल ह्यूमन आई वाला कन्वेंशन लेके चल रहे, ठीक है। तो फिर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, थीटा डैश अपॉन थीटा, समझ में आई बात के लिए। तो वो अभी डेरिवेशन देख लेते हैं फॉर्मली, क्या लिखा मैंने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन्ड सो एज टू सी द इमेज विद रिलैक्स्ड आई, वी कॉल इट नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। सपोज वी विश टू सी कैटरपिलर ऑफ लेंथ वाई क्लोजली, देन द मैक्सिमम एंगल इट कैन सबटेंड ऑन आवर आई इज थीटा इज इक्वल टू वाई बाय कैपिटल डी, समझ गए। मैक्सिमम एंगल मतलब वही स्टैंडर्ड आई के ऊपर, ठीक है। अब कोई 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए अलग है, ठीक। नाउ इफ वी सी इट थ्रू अ मैग्नीफायर नॉर्मल एडजस्टमेंट, वी कैन प्लेस इट एट द फोकस ऑफ द लेंस, जो सेकंड फिगर में दिखाया, यहाँ पे फोकस पे रख दिया इसको, ठीक है, ओके। एंड देन द एंगल सबटेंड ऑन आवर आई बिकम्स थीटा डैश इक्वल टू वाई बाय एफ। अब एंगल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, थीटा डैश अपॉन थीटा व्हिच इज कैपिटल डी बाई एफ, समझ गए। वाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, थीटा में वाई बाई डी आया और थीटा डैश में वाई बाई एफ आया, तो डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, डी बाई एफ, राइट। तो ये मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया, इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखना, नॉर्मली इसका मतलब क्या है, जो भी मैग्नीफायर होगा उसकी फोकल लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तभी फायदा है, नहीं तो वो और डिमिनिश करते एंगल को, तो जितने भी मैग्नीफायर होते हैं सबकी फोकल लेंथ जो होगी वो 25 सेंटीमीटर से छोटी होगी, ठीक है, तभी फायदा, नहीं तो वो और डिमिनिश्ड इमेज बना देगा नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। अच्छा, यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि इन्फिनिटी पे अगर इमेज बन रही तो हमें दिखेगी कैसे, एक्चुअली ये डॉटेड रेज है, एक्चुअल में रेज पास से ही आ रही है, लेकिन ये घूम फिर के रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, इसलिए इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। ये मत सोचना कि इतनी दूर इमेज है तो वो एटमोसफेयर को चीरते हुए रेज आ रही है तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे एटमोसफेयर में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली इन्फिनिटी पे फोकस पे रखा है, इस वजह से ये बेंड होकर रेज ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी से आ रही है, एक्चुअल में स्टार्ट तो यहीं से होगी, कोई ऐसे कोई खास एब्जॉर्प्शन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो समझ गए कि नहीं। जस्ट टू सी इट विद अ रिलैक्स्ड आई वो इन्फिनिटी में हमने उसकी इमेज बना रखी है, ठीक है, विद द डॉटेड रेज। तो आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर अभी। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया मेरा, डी बाई एफ फॉर अ स्टैंडर्ड आई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एफ को मेरे को हमेशा डी से छोटा होना पड़ेगा, या इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई छोटा बच्चा 10 साल का देख रहा है, उसके आंख का नियर पॉइंट अगर 10 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए तो 25 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में वो यूजलेस ही है उसके लिए, राइट नॉट। उसको तो और अगर मैग्निफाइड देखना है तो अपनी नॉर्मल आई से ही बहुत मैग्निफाइड देख सकता है, उसको और भी 10 सेंटीमीटर से भी छोटी फोकल लेंथ का चाहिए होगा, राइट नॉट, तब फायदा उसके लिए, अदरवाइज यूजलेस है उसके लिए, ग्रैंड लेंस, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या है, वही ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पत्ती वत्ती देख रहे हो छोटी सी, तो ये पत्ती को तुम्हें फाइनली कितने डिस्टेंस पे देखना है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हो। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका रे डायग्राम। अच्छा, अनएडेड आई के लिए तो पत्ती की हाइट मान लो एच है, तो एच बाय डी हो जाएगा अनएडेड आई के लिए, थीटा डैश तो वही हो जाएगा, राइट, रादर थीटा तो वही हो जाएगा जो एच बाय डी, एच अगर पत्ती की हाइट है, समझ में आ रहा है, अनएडेड आई के लिए तो वही रहेगा ना, समझ में आई बात के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसको नियर पॉइंट पे देखना है, नियर पॉइंट पे देखना है अगर, तो इसको कुछ
यूई मॉड मैंने लिखा है, यानी यूई मॉड क्या दिखा रहा है, या फिर एल बोलो या यूई मॉड, यूई मॉड ज्यादा जगह में यूज करने वाला, इसलिए यूई मॉड लिखा। यूई मॉड क्या, वो डिस्टेंस जिसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ताकि मेरी इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बन सके, उसको मैंने यूई मॉड बोल दिया, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, फाइनल एंगल क्या हो जाएगा, तुम देखो पत्ती की जो मुंडी है वो तो इस डायरेक्शन में दिखेगी और पत्ती का जो फुट है वो इस डायरेक्शन में दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल मेरा ये हो जाएगा ना, ये एंगल हो जाएगा थीटा डैश। और वापस देखो, जो जो ऑब्जेक्ट का एंगल सबटेंडेड यहाँ पे दिख रहा है वही मेरा पत्ती का भी एंगल सबटेंडेड होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट सेमी लाइन के अलॉन्ग दिखेगा ना, पत्ती की मुंडी के अलॉन्ग इमेज की भी मुंडी दिखेगी और पत्ती के फुट के अलॉन्ग इमेज का भी फुट दिखेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यानी ये जो एंगल सबटेंड कर रही है इमेज इस लेंस के ऊपर या आंख के ऊपर एक ही बात है, लेंस को हम आंख से सटा के रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन यूई हो जाएगा, राइट, एच अपॉन यूई मॉड हो जाएगा फाइनल एंगल। समझ में आ रही बात की नहीं? दिख रहा है ना, ये टैन थीटा क्या होगा, ये एच है और ये यूई मॉड है, यूई मॉड यानी उसको अभी निकालेंगे हम लोग लेंस फॉर्मूले से। तो इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो एज टू सी द इमेज विद मोस्ट ट्रेन्ड आई वी कॉल इट द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, लेट एच बी द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन फॉर एन अनएडेड आई जो कि फिगर बी है थीटा क्या एच बाई डी, वाइल फॉर द एडेड आई जो कि फिगर ए है थीटा डैश इज एच अपॉन यूई मॉड, वेर यूई मॉड इज द ऑब्जेक्ट लोकेशन फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है। वापस ध्यान रखना, इन सब में हम रियल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहे होते हैं, नॉट रियल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ओके, तो दस एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा मेरा, थीटा डैश बाई थीटा हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो क्या हो जाएगा डी अपॉन यूई मॉड हो जाएगा, ठीक है, वेर यूई मॉड इज द ऑब्जेक्ट लोकेशन फॉर नियर पॉइंट इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो अब क्या है, यूई मॉड निकाल लेते हैं, एल बोलो या यूई मॉड बोलो एक ही बात है, तो यहाँ पे अभी उसको यूई मॉड ही लिख देता हूँ क्योंकि यूई मॉड लेके चल रहा हूँ शुरू से, तो इसको लेटर से यूई मॉड यहाँ पे लिख देते हैं। तो यूई मॉड निकालते हैं हम, तो क्या होगा, देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, तो मेरे को वी तो चाहिए कैपिटल डी पे, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो माइनस डी हो जाएगा, राइट, क्योंकि सेम साइड पे है ना जहां से रेज आ रहा हूँ, तो 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन यूई इक्वल टू 1 बाई एफ, तो इससे मेरे पास यूई की वैल्यू क्या आ जाती है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, यूई मॉड की वैल्यू सीधे लिखी है मैंने डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, अच्छा यूई तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी तो df अपॉन डी प्लस एफ आ गया, ठीक है। तो आप d अपॉन यूई मॉड में यूई मॉड की जगह क्या डाल दो df अपॉन डी प्लस एफ डाल दो, ये ध्यान रखना ये कई जगह यूज होते रहता है, उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो, यूई मॉड क्या होगा df अपॉन डी प्लस एफ, ठीक है। तो डेराइव भी वैसे तो जल्दी से हो जाएगा बट याद ही रख लो, सिंपल सा, ठीक है, एक तरह का रिड्यूस डिस्टेंस है, कैपिटल डी और फोकल लेंथ का रिड्यूस डिस्टेंस है एक तरह से, नहीं df अपॉन डी प्लस एफ। तो फिर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, डी अपॉन एल की जगह वापस यहाँ पे यूई मॉड लिख देता हूँ, पहले मैंने एल से लिख रखा था बट यूई मॉड इज मोर नेचुरल सिंबल फॉर दिस, ठीक है, यूई मॉड, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। तो डी बाई यूई मॉड लिखो या फिर 1 प्लस डी बाई एफ लिखो, ये मेरा नियर पॉइंट में मैग्निफिकेशन आ गया। तो आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर, समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस डी बाई एफ, तो मान लो मेरा लेंस ऑलरेडी मेरा 10 टाइम्स मैग्निफाई कर रहा है, ठीक है, रिलैक्स आई से मान लो देख रहे हो तो 10 टाइम्स मैग्निफाई कर रहा है, तो नियर पॉइंट से 10 का 11 टाइम्स हो जाएगा, कोई खास फायदा नहीं है, देखो 10 टाइम्स बड़ा देखो या 11 टाइम्स बड़ा देखो कोई खास फायदा नहीं, हाँ लेकिन अगर मान लो नॉर्मली 2 टाइम्स बड़ा दिख रहा है तो नियर पॉइंट करके वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। तो ज्यादातर जगह हम स्ट्रेट आई से देखना नहीं प्रेफर करते, ज्यादातर जगह जो कई बार क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट लिखा ही नहीं होता है, नियर पॉइंट है या नॉर्मल एडजस्टमेंट है, जब कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट से कुछ क्लियर हो रहा हो, बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ही मान के चलते हैं, ठीक है, अनलेस कुछ लिखा हो स्ट्रेंड आई से देखना है क्या, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, एक बार इस डेरिवेशन को देख लो, इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो, लेट मी नो। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल लेंस के ऊपर, वॉच मेकर्स लेंस हैज 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, तुमने देखा होगा घड़ी सास जो होते हैं वो आंख में अपना एक लेंस जैसा फिट करके वो आंख घड़ी को ठीक करते हैं, घड़ी क्योंकि छोटी सी होती है, पता नहीं आजकल तो लोग घड़ी ठीक भी नहीं कराते होंगे, लेकिन ज्वेलर्स भी इसी तरह का कुछ यूज करते हैं, दिस दैट थिंग इंग्लिश में उसको एल ओ यू पी ई लिखते हैं, ज्वेलर्स लूप लिखते हैं, आंख में एक छोटा सा लेंस फिट करके वो आंख में दबा के ऐसे काम करते हैं ज्वेलर्स जो होते हैं, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ओके। फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन इन पार्ट ए नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड पार्ट बी इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल डायरेक्ट है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्या करोगे, एफ दे रखा है तो क्या हो जाएगा, बाय द वे कैपिटल एम मैंने यूज किया एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए, कहीं कहीं पे लीनियर मैग्निफिकेशन जहां पे भी है उसके लिए मैंने स्मॉल एम यूज किया थ्रू आउट द टेक्स्ट, ठीक है। तो कैपिटल एम नॉर्मल एडजस्टमेंट में डी बाई एफ निकाला था तो 25/8 यानी 3.125 आ गया, ठीक है।
और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या होगा, वन और ऐड कर देंगे तो 4.125 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, नोट दैट वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी एडजस्टमेंट बिटवीन नियर पॉइंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड वी कैन फाइंड दियर मैग्निफिकेशन यूजिंग द सेम मेथड। तो अगर मान लो नियर पॉइंट नहीं पूछा, मान लो 50 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बना रहे हैं, तो क्या करोगे, यूई उस तरह से कैलकुलेट करोगे। समझ में आई बात की नहीं, जहां जो भी एडजस्टमेंट पूछा, जितनी भी दूर पे इमेज बनानी है, तो रे डायग्राम याद रखना है बस। ठीक है, रे डायग्राम वैसे ही बनेगा, फाइनल इमेज कैपिटल डी की किसी और जगह पे बनाना तो वो तुम्हारा थीटा फाइनल उसके हिसाब से निकलेगा, थीटा डैश। समझ गए, थीटा इनिशियल तो एच बाई डी रहेगा, और थीटा फाइनल में मान लो एल डिस्टेंस पे बना रहे हो तो एल का कुछ फंक्शन होगा, तो इसलिए फाइनल मैग्निफिकेशन जो आएगा वो ध्यान रखना उसमें कैपिटल डी और एल दोनों रहेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि डी को सीधे एल से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि थीटा इनिशियल में तो डी वही का वही रहने वाला है, राइट। मैग्निफिकेशन किसी और एडजस्टमेंट में देखना है तो उसके हिसाब से फाइनल एंगल सबटेंडेड निकाल लो, यू की वैल्यू अकॉर्डिंगली देख लो कि 50 सेंटीमीटर पे बनाना है तो यू की क्या वैल्यू है एटसेट्रा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ गया सभी को, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक हैंड लेंस है, और हैंड लेंस से तुम्हें अगर दो, तुमको पता है कि जो इमेज बनती है वो उसका एंगुलर स्प्रेड कितना होता है, 1.22 लैम्डा बाय डी उसका एंगुलर स्प्रेड होता है, राइट। तो जैसे रेलीज क्राइटेरिया में हमने देखा था, ये डायग्राम इनफैक्ट रियल इमेज के लिए दिखा रखा है, बट फर्क नहीं पड़ता, इवन वर्चुअल इमेजेस भी अगर बना रहे हो तो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन दो चीजों को रिजॉल्व करने के लिए कितना चाहिए होता है, सेम 1.22 लैम्डा बाय डी चाहिए होता है। समझ गए कि नहीं, तो नियर पॉइंट में रखा है तो लीनियर डिस्टेंस कितना होगा, दो बैक्टीरिया को दूर कर करके देखना चाह रहे हो, पता नहीं बैक्टीरिया हैंडलिंग से दिखेगा कभी तो, लेकिन अगर यूई डिस्टेंस पे रखें दोनों बैक्टीरिया तो लीनियर सेपरेशन क्या हो जाएगा, 1.22 लैम्डा बाय डी तो एंगुलर सेपरेशन है, इनटू यूई कर दोगे तो लीनियर सेपरेशन हो जाएगा। समझ में बात की नहीं, ऐसे नॉर्मल एडजस्टमेंट में देख रहे हो तो फोकल लेंथ इनटू एंगुलर सेपरेशन मिनिमम जो चाहिए होगा, समझ गए। ठीक है, तो क्या लिखा, रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर ऑन वेव ऑप्टिक्स दैट व्हेनेवर वी फॉर्म इमेजेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ लेंस और सर्कुलर अपर्चर इट हैज एन एंगुलर स्प्रेड ऑफ 1.22 लैम्डा बाय डी फ्रॉम हॉफर डिफ्रैक्शन पे भी देख दो, राइट, सर्कुलर अपर्चर से ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। Considering Fraunhofer diffraction using Rayleigh's criteria, we found that minimum angular separation between the objects for getting clearly resolved is theta minimum is 1.22 lambda by d, where d is the lens aperture. तो ज्यादा अपर्चर का लेंस होगा तो रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी, पास पास की चीजों को दूर करके दिखा दोगे, अलग अलग करके दिखा दो, राइट। मिनिमम सेपरेशन दूर करके नहीं दिखाएगा, यानी उनकी इमेजेस को मिक्स नहीं होना होगा, मतलब अपर्चर से डिस्टेंस का कुछ लेना देना नहीं होता इमेज सेंटर्स का, बट स्प्रेड का लेना देना होता है, छोटा अपर्चर होता है तो स्प्रेड ज्यादा होता है, ज्यादा बड़ा अपर्चर होता है तो स्प्रेड कम होता है, ठीक है। तो क्लियरली अलग अलग करके दिखा देगा, राइट। मिनिमम रिक्वायर्ड सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय द मिनिमम रिक्वायर्ड एंगुलर सेपरेशन। तो कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, जिस भी एडजस्टमेंट में कुछ तो दूरी होगी ना ऑब्जेक्ट की, तो जो भी डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस है उसको एंगुलर 1.22 लैम्डा बाय डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिक्वायर्ड मिनिमम लीनियर डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो L मिनिमम क्या हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए 1.22 लैम्डा बाय डी इनटू S हो जाएगा, ये समझ गए, ठीक है। द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ L मिनिमम वी से हायर द रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, मान लो L मिनिमम कुछ डिस्टेंस है तो जितना छोटा डिस्टेंस है हम कहेंगे उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर है, राइट। एक लेंस है जो 1 मिलीमीटर दूर की चीजों को अलग अलग से दिखा पाता है, दूसरा 0.5 mm के पास की चीजों को अलग अलग करके दिखा पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो 0.5 mm की चीजों को अलग अलग करके दिखा पा रहा है उसका ज्यादा है ना रिजॉल्विंग पावर, समझ गए। तो रिजॉल्विंग पावर इसीलिए मिलीमीटर इनवर्स में कई बार हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर इनवर्स, और या फिर देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिनिमम डिस्टेंस होता है, यानी 1 mm है तो 1 mm इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में या तो एंगल रिपोर्ट करते हैं या फिर लीनियर डिस्टेंस रिपोर्ट करते हैं, पावर के अंदर या तो एंगल का रेसिप्रोकल रिपोर्ट करते हैं या मिनिमम डिस्टेंस का रेसिप्रोकल रिपोर्ट करते हैं। यूनिट देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रेडियन इनवर्स है या डिग्री इनवर्स है, तो फिर हमारा एंगुलर रेसिप्रोकल लिया होगा, समझ गए, ठीक है। तो वी से हायर, ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू है वी से हायर द रिजॉल्विंग पावर, द समटाइम्स रिजॉल्विंग पावर इज रिपोर्टेड इन मीटर इनवर्स। तो आरपी क्या हो जाएगा, 1/L मिनिमम। फॉर अदर एडजस्टमेंट रिजॉल्विंग पावर कैन बी फाउंड सिमिलरली। किसी भी एडजस्टमेंट के लिए मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो। स्टूडेंट इज एडवाइज टू रिव्यू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर एंड रिलीज क्राइटेरिया। तो ये तुम लोगों ने जस्ट वेव ऑप्टिक्स का पिछला चैप्टर था उसमें तुम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा, तो आई होप याद होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें दो लेंसेज यूज करते हैं। तो पहले तो जैसे मान लो पास पास के बैक्टीरिया को देखना है, एक बहुत छोटे से बैक्टीरिया को ही देखना है, पैरामीशियन को देखना है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक पहले लेंस से इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कर लेते हैं, यानी पैरामीशियम अगर मान लो पता नहीं 1 mm भी बहुत ज्यादा ही है उसके लिए, माइक्रोमीटर में कुछ होगा मान लो 1 माइक्रोमीटर का फॉर एग्जाम्पल, या कुछ ज्यादा ही कम हो गया शायद, तो 1 माइक्रोमीटर का पैरामीशियम है लेटर से, तो उसको हमने क्या कर लिया, पहले सिंपल लेंस से मैग्निफाई करके उसको मान लो 10 माइक्रोमीटर का कर लिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बड़ा पैरामीशियम दिख रहा है मुझे, अब ये बड़ा पैरामीशियम है, उसके बाद जो सेकंड जो मेरा लेंस है जिसको आईपीस कहते हैं, आईपीस अब ये नॉर्मल मैग्नीफायर दिख रहा है, समझ गए कि नहीं। तो पहले लीनियरली मैग्नीफाई कर लिया और उसके बाद आईपीस से हमने और फर्दर एंगुलर मैग्निफिकेशन कर लिया, तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस द लीनियर मैग्नीफिकेशन व्हाइल द आईपीस प्रोड्यूसेस द फर्दर एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और ओवरऑल कंपाउंड इफेक्ट हम देखेंगे कि नेट मैग्नीफिकेशन जो आएगा एंगुलर दैट विल बी लीनियर मैग्नीफिकेशन ड्यू टू दिस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द आईपीस, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना रे डायग्राम, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या रे डायग्राम है, अभी सब लोग ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द फोकस, फोकस के बहुत पास रखते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना पास फोकस के रखोगे उतना ज्यादा बड़ा लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा, राइट। तो टिपिकल जो भी सेटअप होता है माइक्रोस्कोप का, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट जनरली जब करते हैं, तो दिस बैक्टीरिया इज वेरी क्लोज टू फोकस, ऑल्दो लिटरल फोकस पे नहीं रख सकते, लिटरल फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी उसकी इमेज, ठीक है, बट फोकस के बहुत पास रखते हैं और कई पर्पजेस के लिए इसको फोकस मान भी लेते हैं, कैलकुलेशन पर्पज के लिए, जहां पे कुछ डेटा मिसिंग लग रहा होता है तो उसको फोकस के बराबर ले भी लेते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू द फोकस। अब क्या होगा, इससे जो इमेज बनेगी, तो कुछ यहाँ पे मान लो ये इंटरमीडिएट इमेज बन गई, दिस डिस्टेंस विल बी वेरी लार्ज। ध्यान रखना न्यूटन्स फॉर्मूले से हम लोगों को मैग्निफिकेशन पता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एल बाय एफ ओ, राइट। यहाँ पे अगर एफ ओ मैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बोल दूं और इसके फोकस से एल डिस्टेंस दूरी पे मेरी इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इफ दिस डिस्टेंस इज एल, एल डिवाइड बाय फोकल लेंथ, एल बाय एफ ओ को ये पहले उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, राइट। और उसके बाद ये जो इमेज बन रही है इसका तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो सिंपल लेंस की थ्योरी है उसी से हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी वो क्या होगा, आईपीस के फोकस के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना तुम्हारा, तो इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज चाहिए, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, समझ गए, ये डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है और ऑब्जेक्टिव के फोकस से एल डिस्टेंस पे इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, तो जो ऑब्जेक्टिव के फोकस से इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ऑप्टिकल वर्ड नहीं लगाती है, एनसीईआरटी खाली ट्यूब लेंथ वर्ड यूज करती है। अब ट्यूब लेंथ वर्ड जो है बहुत ही एम्बिगुअस है, जेई मेन खुद ही कंसिस्टेंट नहीं अपनी नोटेशन में, कहीं कहीं तो ट्यूब लेंथ यही लेती है जो एनसीईआरटी वाली ट्यूब लेंथ है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के फोकस से जो इंटरमीडिएट इमेज है इसके डिस्टेंस को लेती है कई बार तो फोकल ट्यूब लेंथ, और कई बार क्या होता है लेंस टू लेंस ले लेते हैं, तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मैं जान के दो वर्ड्स यूज करता हूँ, एक ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ और दूसरा मैं यूज करता हूँ मैकेनिकल ट्यूब लेंथ। तो मैकेनिकल ट्यूब लेंथ तो क्या, लेंस से लेंस तक का डिस्टेंस को मैकेनिकल ट्यूब लेंथ में बोलता हूँ, ठीक है। और फोकस ऑब्जेक्टिव के फोकस से इंटरमीडिएट इमेज के डिस्टेंस को मैं ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ बोलता हूँ। ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ क्या है, स्पेसिफाइड होती है वो कई बार जो टेलीस्कोप के सॉरी माइक्रोस्कोप इस तरह से अरेंज होता है कि जो तुम्हें यहाँ पे ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह रखना है इसकी लोकेशन फिक्स कर देते हैं, तो कई बार ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ जो होती है हमारी इंडिकेटेड ही होती है माइक्रोस्कोप पे कि इतनी ट्यूब लेंथ है, यहाँ पे सैंपल लगाओगे इतनी ट्यूब लेंथ इफेक्टिव है, ठीक है। बट समझ में ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन, जो मेरा फोकस है ऑब्जेक्टिव का उससे आईपीस के फोकस तक का जो डिस्टेंस है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये मेरी ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ है। जनरली माइक्रोस्कोप में भी जबकि कुछ भी नहीं लिखा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ की भी बात नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रे डायग्राम, आई होप रे डायग्राम समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया की फिर इन्वर्टेड इमेज बनेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है तो फिर इन्फिनिटी पे जाते ऐसे इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, विच इज ओके। बैक्टीरिया को कोई फोटो थोड़ी डालनी फेसबुक पे, उल्टी दिखेगी इमेज को क्या दिखते, तो ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से जो है हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है नॉर्मली, जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, राइट। क्या लिखा, द फिगर अबव शोज द स्कीमेटिक ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, हियर द ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूसेस लीनियर मैग्निफिकेशन एंड देन द आईपीस बिहेव्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैग्नीफायर, ठीक है। इससे मैग्निफिकेशन लीनियर प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ये जस्ट हैंड लेंस जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का थ्योरी है इसके आगे, राइट। ओके, सपोज एच इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी सबटेंडेड ऑन द नॉर्मलाइज एच बाई डी। ऑब्जेक्ट की हाइट एच है तो नॉर्मल ह्यूमन आई कितने डिस्टेंस, डी से ज्यादा पास तो देख नहीं सकते, ठीक है। Now with compound microscope, intermediate image is formed at the focus of the eyepiece. So theta dash क्या हो जाएगा मेरा, h dash by fe। यहाँ पे देखना ध्यान से,
ये एच डैश है और ये लेंथ मेरा एसी के बराबर है, तो ये मेरा थीटा फाइनल हो गया ना, तो एच डैश अपॉन एसी हो गया मेरा फाइनल एंगल। समझ में आ रही बात की नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया की मुंडी इस लाइन के लॉन्ग दिख रही है, उसका फुट इस लाइन के लॉन्ग दिख रहा है, तो ये मेरा फाइनल एंगल हो गया, ठीक है ओके। तो एच डैश अपॉन एसी मेरा फाइनल एंगल हो गया, तो वही लिखा है, ठीक है। अच्छा एच डैश को क्या लिख सकते हैं, अच्छा फिर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ऑल्सो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यूजिंग न्यूटन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, एल बाय एफ हो जाएगा। न्यूटन कन्वेंशन में क्या होता है, वाई बाय एफ होता है ना हमारा मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस से एल डिस्टेंस पे अगर इमेज बनी है तो ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एल बाय एफ हो जाएगा, राइट। वेर एल इज द ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, ठीक है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द टू लेंसेज, ये दो लेंसेज के बीच के फोकस टू फोकस डिस्टेंस भी है, इज इट नॉट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फोकस टू फोकस डिस्टेंस ही है, राइट, जो ट्यूब लेंथ है, ओके। तो एच डैश को क्या लिख दिया, माइनस एच इंटू एल बाय एफ, राइट। तो थीटा डैश क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर दो, थीटा डैश मेरा क्या, एच डैश बाय एफ ई, तो एच डैश की वैल्यू ये डाल दो, माइनस एच एल बाय एफ ओ एफ ई हो गया, ये मेरा थीटा डैश हो गया, और थीटा मेरा क्या, थीटा तो मेरा एच बाई डी है, डिवाइड करोगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन कैपिटल है मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एच एल बाय एफ ओ एफ ई डिवाइडेड बाय एच बाई डी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट में याद रखना है तो एमओ एम ई ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, एमओ इंटू एम ई, ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ई, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, दिस इज योर टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो माइनस एल बाय एफ ओ यही है ना, ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन, और डी बाय एफ ई क्या है, ये आई पीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन एज अ सिंपल मैग्निफायर, राइट, that is the product of linear magnification of the objective and angular magnification of the eyepiece, thus capital M क्या आ गया, minus L by FO into D by FE, तो ये याद रखना, inverted image है इसलिए negative sign है, okay। उसके बाद एक दो remarks है, पढ़ देता हूँ, क्या लिखा, in a typical microscope focal length of the objective is small and the objective is kept very near to the focus so as to obtain the maximum possible linear magnification through it, ठीक है, U जो होगा almost focus के बिल्कुल पास में होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए जो यू की वैल्यू होगी, दैट विल बी वेरी क्लोज टू द फोकल लेंथ, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो जाए हमारा इंटरमीडिएट इमेज जो है, ओके। दस इफ डेटा अपीयर्स इनसफिशिएंट, तो फिर यू ओ को हम अप्रोक्सीमेटली एफ ओ दे सकते हैं, कहीं पे अगर डेटा लग रहा है कि यार किसी डेटा किसी क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि डेटा क्या है, तो वहां पे यू ओ को मैं एफ ओ के बराबर ले लूंगा, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है। एनसीआरटी रेफर्स टू द ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ एज जस्ट ट्यूब लेंथ, जिसको मैंने ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ बोला वो सिर्फ एनसीआरटी ट्यूब लेंथ ही बोल देता है, ठीक है, और मजे की बात है जेई मेन भी कई बार सिर्फ ट्यूब लेंथ बोल देता है, उसका दोनों में से कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है, इट कुड आइदर मीन मैकेनिकल ट्यूब लेंथ और इट कुड मीन ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, तो कई बार हो सकता है, हालांकि मैंने एक तो एग्जाम्पल सुनी उसमें ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ ही लेके किया उन्होंने, ठीक है, तो लेकिन क्या ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ लेके अगर आंसर कोई आ नहीं रहा है तो फिर इसका मतलब क्या, फिर दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अज्यूम इट टू बी मैकेनिकल ट्यूब लेंथ, ज्यादा कहकर ऑप्टिकल से ही करना है, जस्ट इन केस यू डोंट गेट एन आंसर assume that it's a mechanical tube length, okay, ठीक है, तो JE main में questions tube length is ambiguously means either mechanical tube length or optical tube length, though mostly optical tube length, मैंने जो examples नहीं उसमें तो optical ही है, अब future में क्या होने वाला पता नहीं, तो I hope this is clear, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, microscope का ray diagram अच्छे से समझ लो, give it a reading, ठीक है, दो तीन मिनट लेके पढ़ लो इसको और इसको बिठा लो अच्छे से दिमाग में, then we'll proceed, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया आज, वी आर ओनली लेफ्ट विथ नाउ माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और उसके अलावा टेलीस्कोप्स हैं, पिन होल कैमरा, तो ये सब चीजें जो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, ये सब, आई आई एम होपिंग दैट अनदर मैक्सिमम टू मोर क्लासेस विल फिनिश ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।